यस सामान्य पांचटी उपव्यवस्था पढ़ा है ठीक अच्छे कौन कौन ना लेप्रोटीन जाइकोटीन पैकेटीन लिप्रोटीन डायकाइनेसिस ओके अच्छा डायकाइनेसिस अवस्था में कौन पाइले ना गुणसूत्र गुड़िक क्षुद्राकार हो जाए कि स्थूल आ कौन बर्तूल होगा द्वारा कौन है ना अधिक स्पष्ट देखाला आवस्था से गुड़िकर आकृति केमती है गोटे मुद्रिका सदृश तो ये टाइप लक्ष्य कर्म हाथ को केमती टाइप रुझिपार कि नहीं तो ये टाइप रुद्रिका सदृश देखा जाता निन्टी झिली अवस्था अदृश्य हो गले बर्तमान आम देखा कौन ना मध्यावस्था वन ये गला आद्यावस्था वन रोटा कि आद्यावस्था वन हो तो कौन आम पढ़ुंटे ना मेओसीस प्रक्रिया पढ़ुंट मेओसीस आद्यावस्था वन मेओसीस मान है कौन किए कहपर कौन कहती अर्ध विभाजन अर्ध विभाजन वेरी गुड अर्ध विभाजन रो चारोटी अवस्था अच्छी आद्यावस्था वन मध्यावस्था वन उत्तरावस्था वन अंतिम अंतिम अवस्था वन आद्यावस्था वन को पांचटी उपावस्था विभक्त करा जाइतला माने देखिथिले लेप्टोटी जाइकोटी बाकीटी डिप्लोटी डायकाइनेसिस वर्तमान आम लक्ष्य करिबा मध्यावस्था वन तो आम देखिदेले कि आद्यावस्था वन रेष पर्यायर शेष उपावस्था गुणसूत्र गुड़िक गोटे मुद्रिका सदृश आमको देखा मिलला आई उपावस्था निन्टी आष्टि झिली कौन है ना हूँ अदृश्य हो गला बर्तमान देखा तर अवस्था टी कौन है मध्यावस्था ये अवस्था जो अवस्था पांच उपावस्था सरीगला सरीगला मध्यावस्था कौन है ना एथिरे जो समविभाजन मध्यावस्था पर पिला माने मन पकाओ समविभाजन मध्यावस्था कथा मन पकाओ से कौन होता ना जो जुगल जुगल सूत्र गुड़िक कौन कले ना जो कोष देखे कोषर मध्य समतल भाग को दीपट रहा मध्य समतल भाग को भाग जम्प करके मध्य समतल भाग को पलि आसले ठीक अच्छे तो मध्य समतल भाग को पलि आसले तो से अवस्था कौन है ना तर्क तंतु गुण सूत्र केन्द्र भाग सरी मध्यावस्था वन गला उत्तरावस्था वन देख कौन कले ना तापर आम देखिले जो जुगल गुण सूत्र मान कौन कौन कही जुगल गुण सूत्र मान कौन जुगल गुण सूत्र मान कौन तो दुईट गुण सूत्र जॉइंट हो जाए कौन कहते जुगल गुण सूत्र बोले कहते हैं तो जुगल गुण सूत्र प्रत्येक गुण सूत्र प्रत्येक गुण सूत्र मान हुए तो पिता कथ कहे हूँ तो माता कथ कहे ठीक अच्छे तेणु प्रत्येक गुण सूत्र तार दुईट एकक सूत्र कौन है कोषर विपत्त दिग मेरु आड़ को गति करती तेणु गुण सूत्र मन रखो जो तार केन्द्र दिटार एटा देख ये रहा दिटा गुण सूत्र ये भाव से मैंने रही ये जो केन्द्रटा मझी अंशा ये कितना विभाजित हुए ये जो जिनमें चतु एकक देखे मन अच्छे जमी पूर्व क्लास पूर्व इयर पढ़ी चतु एकक सृष्टि करती ठीक अच्छे तो सेमती भाव में कौन करती दुई विपरीत मेरु आड़ को मैंने कर गति करते कि जो मझी पर्सन टी देख यहाँ सपोज रहा मझीटा यहाँ देख पाम पर्सन देख तो यहाँ रहा मझी तो ये मझी रहा लगे रहा बाकी ये दुईटा पर्सन ये कौन कले दुईटा विपरीत मेरु आड़ को एमती करके गति कले बुझी आ थर कौन कहली ओके जिते बड़े लक्ष्य कर जिते बड़े ये मझी दुम चित्र कर देखो देख जो ये जुगल गुण सूत्र थी तो ये जुगल गुण सूत्र था ये कौन कले ना ये केन्द्र रहा केन्द्र विभाजित है केन्द्र सह लगि रहा तो दुई विपरीत मेरु कौन कले ना जो दुई पर्सन टी रहा कौन कले ना दुई विपरीत मेरु आड़ गति कले जो दुई विपरीत मेरु आड़ गति कले पे कौ आकार धारण करके कहल ये भाव में गति कले कौ आकार धारण करे भी आकार धारण कर कोणाकार आकार देखा ना जो दुई विपरीत मेरु आड़ गति करेंगे तो ये भाव रे तो यहाँ कमी भाव गोटे कोणाकार आकार धारण करें ये लक्ष्य कर पूरा ओके कौन करे ना गोटे कोणाकार आकार धारण करती तेनाली बर्तमान आम देखा तेणु यह पाने केन्द्र तो विभाजित हेनी तेनाली गुण सूत्र संख्या अधा हो कारण ओके अच्छा तेणु ये समय गुण सूत्र कौन कर धारण करी गला बुझीला
तापर आसला अंतिम अवस्था वन बर्तमान अंतिम अवस्था वन रे कौन होता है लक्ष्य कर कौन हुए तेणु ये जो आम कहले जो अर्धेक संख्यक गुण सूत्र क्वेश्चन बर्तमान मेरु आड़ पलगले मेरु पाखर जाए जमा हो गले जमा है कौन है ना सी दूसरी निष्टि तैयारी करती ओके प्रथम निन्यस्टि तापर जो आम या पूर्व देखी जो कौ अवस्था ना साउंड कि शुभनि क्या ओके तो आम कौन पढ़ुले बर्तमान कि देखी आम मध्यावस्था वन देखुले मध्यावस्था उत्तरावस्था वन देखुले नाई अच्छा मत कह ये गला कौन उत्तरावस्था गला अंतिम अवस्था देखा अंतिम अवस्था कौन कहला आम ना हूँ जिते बड़े अधिक संख्यक गुण सूत्र कोष्ठर बर्तन देखिए केमती भाव देख चलो तापर कौन है जो आम देखी थे डायकाइनेसिस अवस्था देखी थे हाँ कंप्यूटर साउंड हूँ कहीं लगे तो वायर लगे ना वायर टा हूँ कौन कहल खसीगला से ठीक कर तेनाली अवस्था जो नेष्टि झिली निन्नष्टि अदृश्य हो जाते कौन है स्पष्ट बाष्टि प्रथम कौन मेरे तो जमा हो गले दुईट नेष्टि ताकि प्रथम निन्नष्टि नेष्टि झिली सृष्टि हुए तेणु गुणसूत्र गुड़िक आस्ते आस्ते लंबाड़िया और पर कौन हमें ना अस्पष्ट हो जाती तेरे देख बढ़िया कथा आम देखिले प्रथम कौन है जो बड़े प्रक्रियाकरण आरंभ है से नेष्टि झिली निन्नष्टि से अदृश्य हो जाती गुणसूत्र तो मानक कौन हो विभाजन प्रक्रिया आरंभ होष्टिर विभाजन प्रक्रिया आरंभ हो कौन हो गुणसूत्र आकार धारण कर देखिले बर्तमान जो शेष पर्याय को पलि आसुची जो तार प्रक्रियाकरण पूरा सरी जापर आम देखुं कौन ना नेष्टि जो नेष्टि झिली क्या नेष्टि जो प्रक्रियाकरण आरंभ हम तो नेष्टि झिली जब रही है तार प्रक्रियाकरण आरंभ हो पार गोटे चिंता कर तेणु कौन है नेष्टि झिली टी अदृश्य हो गला निन्नष्टि टी अदृश्य हो गला जो टोटाली रूप से तार प्रक्रियाकरण पूरा सरीगला सरीगला पुणी थर कौन है नेष्टि झिली निन्नष्टि पुणी थर कौन है दृश्यमान होगा लगे आ गुणसूत्र तो आम देखी जो गुणसूत्र आम पाई से गुड़क धीरे 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 जो प्रथम प्रथम जो देखी थे गुणसूत्र कौ भाया देखा जाता गोटे लंबाड़िया गोटे सूता भाया स्वच्छ देखा ना गुड़े 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 होकर रही है प्रथम को चिन्ह देख मन पकाओ प्रक्रिया पूरा सरीगला कौन है लंबा आकार जो धारण करोट आकार जो धारण कर स्थूल आकार धारण कर धीरे 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 छोट हो धीरे 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 सारा बड़ हो जो प्रथम अवस्था थी बड़ थी सूता बड़ा देखा जाता से बड़ अवस्था को जाए धीरे धीरे कौन अदृश्य ओके प्रथम जो चित्र देखी केमी देखी गोटे देखी नेष्टि झिली थी नेष्टि झिली भितर बहुत सारा क्रोमोजोम गुड़ सूता बढ़िया गुड़े 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 रही से अवस्था को आसपे शेष परिशेष कौन अदृश्य क्लीयर ओके बुझीगला कि ना बुझीगलानी बुझीपाल तेना प्रथम आउ थे कहीदी ध्यान दे कि शुण अर्ध विभाजन र प्रथम अवस्था टी आगे चित्र को चित्र रु गोटे गोटे करित्र को ध्यान दब चित्र को ध्यान देने बुझीपार मुपट कह तुम खाली चित्र को खाली अनेक बुझ अच्छा तो प्रथम आम देखा कौन आद्य अवस्था वन वन चित्र को लक्ष्य कर यहाँ कौन प्रथम अर्ध विभाजन तुम्हें मैंने भल भाव जान मेओसिस वन है अर्ध विभाजन एक तर प्रथम अर्ध विभाजन विभिन्न अवस्था थाए विभिन्न अवस्था गुड़िक कौन ना चारोटी अवस्था ये अलराम ओके तेरु कौन ना आद्य अवस्था वन मध्यावस्था वन उत्तरावस्था वन अंतिम अवस्था वन ओके तेनाली चारोटी अवस्था आद्य अवस्था वन रे पांचटी उपावस्था देखा मिले कौन कौन मो सहित कह लेप्टोटीन चित्र टी लक्ष्य कर देख रही कौन हाँ यस अच्छा देख
अध्यावस्था वन हूँ कौन ना ये लिखाई कोश कोष प्राचीर लक्ष्य कर देख पार कौन लिखा जाए कोश प्राचीर तमान कोश प्राचीर एटी है कौन कोश झिली तम तुम देखीदेल कि आद्यावस्था वन कोश झिली अच्छी आद्यावस्था वन अच्छी न्यूस्टि भी अच्छी आद्यावस्था वन क्रोमाटिन जालिका अच्छी ये जगह तुम गुणसूत्र मिलला कि मिलला ना कहीं मिललानी प्रथम तुम मानक गोटे सूता भाया स्ट्रक्चर देखा मिलला जोटा कि कौन कहते गोटे थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर क्रोमाटिन जालिका तो तुम ये प्रथम गुणसूत्र पाइच कि पाइना प्रथम कौन थी क्रोमाटिन जालिका देख पार्टी गुड़े 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 हेकि रही तो यही धीरे धीरे तुमको कौन मिल क्रोमाटिन जालिका टी तुमको धीरे धीरे गुण सूत्र मिलो ओके कौन अच्छी कोष जीवक अच्छी जानीगल ए आद्यावस्था वन कौन सब ये रहा आउ थे कहीदे आद्यावस्था वन चित्र जानीगल ए आद्यावस्था वन विषय कह ध्यान देवी शुण मुझे क्वेश्चन देवी पचारि से ध्यान देवी शुण समस्त कौन ना जिते आद्यावस्था जिते आरंभ हुए से तो जो क्रोमाटिन जालिका गुड़े जो देखु गुड़े गुड़े लंबा भाया रही है साप भाया गुड़े गुड़े रही क्रोमाटिन जालिका टी आद्यावस्थार प्रारंभ रे देखा जाए जिते बड़े आम गोटे कम को आरंभ करवा कम टी कौन इजी थाए कि गोटे आम गोटे ट्रिक रे बुझा कम टी इजी थाए कि इजी न था के सब कौन थाए छंदी मंदिर यहाँ मन पकेब सब जिते बड़े गोटे कार्य आरंभ हो मन कर आद्यावस्थी आम कार्यर आरंभ तेरे कार्यर आरंभ बेले सब कौन थाए छंदी मंदिर हे सब कम रही था कमी करा चिंता करवा कि नाई तो प्रथम से भावनी आद्यावस्था प्रारंभ में बहुत सारा जाल आम घेरे रही जोटा कि ना कौन क्रोमाटिन जालिका ओके आम कौन कहले ना से जालिका को बर्तन आम के परिष्कार करवा कले सीना कम ठीक ना ओके तेरे कौन कले ना से जो क्रोमाटिन जालिका टी कौन कला ना धीरे धीरे आम जो आम बाट खुलने आम जो आगे बाहर तो सफा करने गले सफा तो हम ना निश्चय तो से कथा आम देखा क्रोमाटिन जालिका टी क्रमे स्थूल रूप धारण कर धारण करके शेष कौन कर केतक निर्दिष्ट संख्यक गुण सूत्र भाव दृश्य मान क्लीयर बुझीला देखी पार अवस्था को देख ल आद्यावस्था वन जो लेप्टोटिन अवस्था जो गुण सूत्र गुड़क लंबा लंबा रही छोटे छोटे रही लक्ष्य कर चित्र कर देख लंबा भाव कौन जो जो आद्यावस्था आद्यावस्था कौन हम ना हमारे देख कौन कले ये गला आद्यावस्था वन तो जानीगले तो आम देखा कौन बर्तमान आद्यावस्था वन देखिले दीर्घ जटिल अटे तार पांचटी उपावस्था अच्छे लक्ष्य कर तापर धीरे धीरे क्रोमाटिन जालिका टी केमी धीरे 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 बर्तमान गुणस्तर परिणत होने देखा लेप्टोटिन वन को आस कौन देखिले लेप्टोटिन वन तेनाली अवस्था जो क्रोमाटिन जालिका टी धीरे 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 प्रोसेसिंग होगी आम देखिले कौन परिणत है ना हूँ गुणसूत्र परिणत है ओके जो गुणसूत्र भाव दृश्यमान है तेना गुणसूत्र टी जदिओ पूर्वर जो अनुदर्घिक भाव रही जो लंब टी तुम लक्ष्य कर अनुदर्घिक भाव मान पूरा मान एपट सेपट क्रोमाटिन जालिका छंदी रही जो लेप्टोटिन अवस्था कौन कला ना सी हूँ गोटे अनुदर्घिक भाव में समदिखंडक हो गला ओके किंतु गोटे कौन गोटे एकक रूप देखा ना समय समस्त पाक जोड़ी रही गोटे एकक रूप देखा कि ना ओके लेप्टोटिन को देख ठीक अच्छे तेनाली अवस्था तुमको न्यूष्टि झिली मिल न्यूष्टि ओके प्रथम अवस्था टी आद्यावस्था वन रथम उपावस्था टी कौन ना लेप्टोटिन जायगोटिन चित्र को आस ओके जायगोटिन चित्र कौन देख लच्छा सी जायगोटिन चित्र देख जो से एकक बन रही पूरा छख पाख जोड़ी सेमती अच्छा कि लक्ष्य कल जोड़ी जुगल गुणसूत्र गठन कर गुणसूत्र आपुंजन कहुची कौन एटा तुम पचारी तो मैंने भला भर मन रख कौन रखीच मैंने ना जमी जो लेप्टोटिन अवस्था गुणसूत्र हुए पूरा पर्टिकुलर गुणसूत्र तुमको दृश्यमान होता है तेनाली कौन देखिले
हाँ लेप्टोटिन अवस्था गुण सूत्र दृश्यमान होता है कि जो जायगोटिन अवस्था आम लक्ष्य करवा जो पिता का आसता गोटे गुणसूत्र गुणसूत्र आ माता आसता गोटे गुणसूत्र तेनाली कौन कह पिता माता आसा गोटे सदृश गुणसूत्र गुड़क मैंने कौन करती ना परस्पर जो प्रथम पड़े लक्ष्य कले पिता गुणसूत्र आसाला माता जो गुणसूत्र आसा जो सदृश था से सदृश असदृश जो नुहे सदृश गुणसूत्र गुड़िक कण ना परस्पर आड़क आकृष्ट है परस्पर आड़क आकृष्ट हो कि गोटे लंब भाव लक्ष्य कर चित्र टी देख गोटे लंब भाव में कौन है ना जोड़ी रही ओके जोड़ी ही जो लंब भाव रही रहा अवस्था को कौन कह जाए ना आकुंजन कह जाए जो तुम इंग्लीश लिखे सब पाखटे इंग्लीश लिख बार बार कहूँ तुमको पर पढ़िया को सुविधा हम बुझा सुविधा से मत कह पी तेनाली कौन कहती ना सिनाप्सिस कहते ओके इंग्लीश कौन कहती सिनाप्सिस तेणु जो गुणसूत्र जो जोड़ी रहा तो कौन कह गला ना जुगल गुणसूत्र कहले ओके मन रहा कि नाई तो दुटी गुणसूत्र जो जोड़ी है कौन कह गला जुगल गुणसूत्र ये कौन आसला देख ए लक्ष्य कर तो अवस्था पाकिटिन पाकिटिन देख ल गुटे चार चार सब जॉइंट हो कि ना देख ल चार गुणसूत्र पाखापाखी जॉइंट हो ना लक्ष्य कर लक्ष्य कल चार चार जॉइंट होती देख एक दुई तीन चार एटी चार एपटे देख एक दुई तीन चार लक्ष्य कर नहीं ओके तेणु ये अवस्था कौन हुए ना पाकिटिन अवस्था गुणसूत्र गुड़िक स्थूल आद्रकार हो जाए तेरे प्रत्येक गुणसूत्र कौन कही था दुईट लंबा भाव एकक सूत्र एकक सूत्र रही प्रत्येक गुणसूत्र गोटे लेखाएं कौन ना चतुष्क चतु एकक कौन कर सृष्टि कर बुझी गला कि नाई तर चित्र देखिए चित्र कि मन रख चित्र मस्ट प्रैक्टिस कर चित्र पड़ी जाए है तो चित्र प्रैक्टिस कर चित्र जो तुम हो गला ना ये जो दिटा लंग क्वेश्चन ना माइटोसिस मेयोसिस समभाजन अर्धभाजन बिल्कुल तुम कौन से कष्ट हमें क्या चित्र देखे तुम बुझीगल तो ये बस आराम से विषय देखी पार ठीक अच्छे आसवा कौन देखा पाकिटिन गला डिप्लोटिन अवस्था डिप्लोटिन कौन है बर्तमान जो चतु एकक सृष्टि होता है लक्ष्य कर चत पाकिटिन कौन होता है चतु एकक सृष्टि होता है डिप्लोटिन कौन है प्रति जो जो गुणसूत्र प्रत्येक दुई एकक सूत्र जोड़ा कौच बा कह गुणसूत्र गुड़िकर ए कौन है पृथकरण आरंभ हो गला देख जो चार चार जोड़ी होती है ना एवं पाकिटिन अवस्था जो सरी डिप्लोटिन अवस्था देख ए कौन हम से मैंने ना पृथकरण हाँ आरंभ हो जाए ठीक अच्छे अच्छा जो पृथकरण हे कहीं कही पृथकरण है मानते सेठी कायजमा कह जो भाव पृथकरण मान यही सैड मान जोड़ी मझीरा कौन है पृथकरण होगा बुझी पार तेना कौन हुए ना डिप्लोटिन अवस्था गुणसूत्र गुड़िकर पृथकरण आरंभ हुए से कौन करती केवल केतेक बिंदु जमी दिटा देख ये बिंदु जोड़ी मो हाथ देख समस्त को ये बिंदु जोड़ी रहा ये बिंदु जोड़ी रहा बाकी सब थे कौन है पृथक हो गले ओके तेणु जो बिंदु से कौन है ना परस्पर सहित जोड़ी होगी अन्य अंश जो पृथक हो गले जो बिंदु जोड़ी हेले से मिलन स्थल को कौन कह गला ना कायमा कहला ओके बुझीगला तेणु जो सरी जो बिंदु से जॉइंट है कायमा कह गला तेणु जो मिलन स्थल गुणसूत्र गुड़क मिलन स्थल स्थान को कायजमाटा कह गला तेणु ये जो कायजमाटा से कौन कहले ना एकक सूत्र मध्य एक प्रकार अंश विनिमय हुए तेरे अंश कौन ना जोटा कि आम कौन कहते ना जीन रदान प्रदान होता है तेनाली तो जो जीन रदान प्रदान प्रक्रिया को कौन कहते ना पारातरण बोली कहते बुझी जोटा कि पूर्व क्लास तुमको कही आम देखी कौन ना डायाकाइनेसिस डायाकाइनेसिस कौन ध्यान दि तेनाली कौन होता है ना गुणसूत्र गुड़िक क्षुद्राकार आकार धारण करती स्थूल हो जाती स्थूल और बर्तूल होगा द्वारा
अधिक माने स्पष्ट देखा जाती तेना यह उपवस्था कौन होता है ना से गुड़िकर आकृति गुड़िक केमी ना गोटे मुद्रिका सदृश देखा जाए ओके केमती देखा जाए मुद्रिका सदृश देखा जाए अच्छा तेनालीवस्था यो डायकाइनेसिस उपवस्था कौन होता है ना जो नष्टि झिली आउ निम्नष्टि ये अवस्था उपवस्था लक्ष्य कर सब अदृश्य देखा जाए देख सब देख तुम अदृश्य डर 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 देखा ना मैंने पूरा अदृश्य हो जाए क्लियर ओके अवस्था वन बर्तमान जी अवस्था वन को हाँ मैम पारंतरण आदि आउतर कोइ दिन पारंतरण ओके ओके कोइ दो छी कोन हितले हमें देखले ना डिप्लोटिन उपावस्था रे जो गुण सूत्र गुड़िक गुड़िकर जत बळे हमें पूर्वटा देखितले कोन देखितले ना पाकेटिन अवस्था रे गुण सूत्र गुड़िक चतु एकक ए बळी भाव रे चारि चारि जोड़ी हे कि रहितले ठीक अछि तापर कोन हला ना डिप्लोटिन उपावस्था रे गुण सूत्र गुड़िक पृथकीकरण प्रक्रिया आरंभ होगा पृथकी हे आरंभ कले जो पृथक हे आरंभ करे से कौन हम ना से केवल केतेक बिंदु परस्पर सह लगी रही बाकी जाक बिंदु बाकी स्थान कौन से पृथक हवा आरंभ करेंगे जो केवल केतेक अंश जो परस्पर मान ये गोटे जुगल देख ये गोटे जुगल गुणसूत्र ये गोटे जुगल गुणसूत्र सपोज देख ए दुटा अंगु ने ये जुगल गुणसूत्र ये जुगल सूत्र सपोज यही जगह मैंने गोटे बिंदु मैंने जयंट है बाकी सब मैंने अलग हो गले लक्ष्य बुझीपाल तुम कह मतलब कौन ओके बर्तमान जो जगह से कौन है ना पृथकी जो अन्य सब स्थान मान पृथकरण आरंभ है तेनाली जो जगह सेवल जयंट हो बाकी गुडाक पृथक है तेनाली जो गोटे जगह जयंट है कौन है ना कायजमा कहला सपोज ये जयंट है देख सपोज ये जयंट है तो यहाँ कौन है कायजमा कहला मन रहा कि नहीं तेना जो स्थान से जयंट हेले जो स्थान में मिलन स्थल है से मिलन स्थल कौन कहला ना कायजमा कहला तेनाली जो जुगल गुण सूत्र जुगल गुण सूत्र गुड़िक मिलन स्थल कायजमाटा निकट में एकक सूत्र मध्य गोटे प्रकार अंश विनिमय है कौन ना एकक सूत्र मध्य अंश विनिमय द्वारा से मानकर कौन है ना जीन रो जगह से दुज जॉन्ट होकर रेल से जगार एठ कौन है ना जीन रदान प्रदान है बुझीला तेरे जीन रो आदान प्रदान एपट से जीन आदान प्रदान हो सर तेरे से जो आदान प्रदान है प्रक्रिया टी कौन कहला ना पारातरण क्रसिंग ओवर तेरे दुटा जाक जॉन्ट होते क्रस होपटिकसला मैंने कौन ये एपट रू जीन आसला सेपट रूपट जीन आसला तेरे क्रस ओवर है कि ना ठीक ना तो ये आम कौन कहले ना डिप्लोटिन व्यवस्था कौन कहे पारातरण क्रसिंग ओवर एवं बुझीपाल ओके लक्ष्य कर मध्यावस्था वन मध्य समतल भाग को चली आस लक्ष्य कर गुण सूत्र गुड कौट पलि मध्य समतल भाग को आसपट देख जुगल गुण सूत्र भाव दुई जन दुई जन जुगल गुण सूत्र अच्छा मध्य समतल भाग को चली आस लक्ष्य कर कौन ना ए सम विभाजन मध्यावस्था परी सम विभाजन जमी मध्यावस्था होता तारि परी जो जुग देख प्रत्येक क्षेत्र दु दिटा गुण सूत्र अच्छा जुगल गुण सूत्र गठन कर जुगल सूत्र गुड़िक भाव रहा एपटे यही रहा मझी पोर्सन देख मझी पोर्सन को यही जगह को एमाने कौन है ना पड़े आसे आसिक कौन कले ना से अवस्था कौन कले ना तर्कतंतु गुड़िक गुणसूत्र तर्कतंतु टी गुणसूत्र केन्द्र सहित देख एमती रहा तार ये रहा ना तो ये केन्द्र सहित से कौन कले ना संयुक्त होके ओके तर्कतंतु लक्ष्य कर पार तर्कतंतु देख लाइन लाइन पड़ी उपर देख मध्य समतल जाए लगिक रे ये लक्ष्य कर देख मध्य समतल जो जाए रही है समतल ये मध्य भाग में देख तर्कतंत्र सहित कौन कले भाग में लगे रही बुझीला कि नहीं मध्यावस्था वन तर उत्तरावस्था वन उत्तरावस्था वन को देख गोटे भी आकार धारण कर देख पार ओके कौन उत्तरावस्था वन जो जुगल गुण सूत्र गुड़िक प्रत्येक गुण सूत्र कौन कले ना दुईट एकक सूत्र कौन ना कोषर विपरीत
अधिकକୁ ଦୁଇ ମେରୁକୁ ଏମିତି କରିକି ଦୁଇ ଜଣଯାକ ଗତି କଲେ। ଦୁଇ ମେରୁକୁ ଗତି କଲା ପରେ କଣ କଲେ, ଗୁଣସୂତ୍ର କେନ୍ଦ୍ରରେ କିନ୍ତୁ କୌଣସି ବିଭାଜନ ହେଲାନି, ଠିକ ଅଛି। ଏହା ହଉଛି କଣ ନା ଗୁଣସୂତ୍ର ଅଂଶ ଅଧା ହୋଇଯିବାର କାରଣ। ତେଣୁ ଏଇ ଗୁଣସୂତ୍ର ଗୁଡିକ ଏଇ ସମୟରେ କୋଣାକାର ଭି ଆକାର ଧାରଣ କଲେ। ଅନ୍ତିମ ଅବସ୍ଥା ୱାନ ର କଣ ହେଲା ନା, ଯୋଉ ଅର୍ଦ୍ଧକ ଗୁଣସୂତ୍ର ୱାନ ଥିଲା ଅନ୍ତିମ ଅବସ୍ଥା ୱାନ କୁ ପଳେଇ ଆସ। ଦେଖ କଣ ହେଲା ନା, ଯୋଉ ଅର୍ଧେକ ସଂଖ୍ୟକ ଗୁଣସୂତ୍ର କୋଷର ଦୁଇ ବିପରୀତମେରେ ଜମା ହେଲେ, ଜମା ହେଇକି ଦୁଇଟି ନ୍ୟଷ୍ଟି ସେମାନେ ତିଆରି କଲେ। ତେଣୁ ପ୍ରଥମେ ନିନ୍ୟଷ୍ଟି, ତାପରେ ନ୍ୟଷ୍ଟି ଝିଲ୍ଲୀ ସୃଷ୍ଟି ହେଲା, ତାର ଗୁଣସୂତ୍ର ଗୁଡିକ। ତାପରେ କଣ ହେଲା, ଦେଖ ଗୁଣସୂତ୍ର ଦେଖ ଧୀରେ ଧୀରେ ଅସ୍ପଷ୍ଟ ହେବା ଲାଗୁଛି କି ନାହିଁ, ତାର ଗୁଣସୂତ୍ର ଗୁଡିକ ଧୀରେ 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 ଅସ୍ପଷ୍ଟ ହେଲା। ଓକେ, କ୍ଲିୟର ହେଲା ତ, ବୁଝି ହେଲା କି ନାହିଁ? ମ୍ୟାମ୍ ଅନ୍ତିମ ଅବସ୍ଥା ୱାନ ଟା ଟିକେ ଆଉ ଥରେ କହିଦିଅନ୍ତୁ। ଅନ୍ତିମ ଅବସ୍ଥା ୱାନ ଟା ଏଇଆ ହେଲା, ଯୋଉ ଅର୍ଧେକ ସଂଖ୍ୟକ ଗୁଣସୂତ୍ର ହେଇଥିଲା, ଯୋଉ କୋଷର ଦୁଇ ବିପରୀତ ମେରୁ ଆଡକୁ ଯାଇଥିଲେ, ଯାଇସାରିଲା ପରେ ଏବେ ଆଉ କାମ କଣ, ଏତେ ସରିଗଲା ଏବେ, ଏବେ ସେଥିପାଇଁ ଏବେ ଯୋଉ ଗୁଣସୂତ୍ର ଗୁଡିକ ଅଦୃଶ୍ୟ ହେଇଯିବ। ଯୋଉ ପ୍ରଥମ କ୍ଷେତ୍ର ଯୋଉ ଦେଖିଥିଲେ ନେଷ୍ଟି ଚିଲି ନିନ୍ୟଷ୍ଟି ଯୋଉ ଅଦୃଶ୍ୟ ହେଇଥିଲା, ଏବେ ଧୀରେ 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 ସେ ସ୍ପଷ୍ଟ ହେବା ଆରମ୍ଭ କରିବେ। ସହିଲା ଏତିକି କଥା, ଠିକ ନା? ଆଉ କିଛି ଅଛି କି? ବୁଝିହେଲା, ବାସ ଏତିକି ହିଁ କାମ ହବ, ସରିଗଲା ତ, ଏବେ ପଳେଇ ଆସିଲେ ନା। ମାନେ ଯେତେବେଳେ ସେମାନେ ଯାଇକି ଯେତେବେଳେ ଦୁଇ ମେରୁଆଡ ଯେତେ ଯାଇ ପହଞ୍ଚିଗଲେ, ପହଞ୍ଚିଗଲା ପରେ ଯେତେ କଣ କଲେ ନା, ମେରୁଆଡ ଯାଇକି ରହିକି ଗୋଟେ ପ୍ରକାର କଣ ତିଆରି କଲେ, ଦୁଇ ମେରୁଆଡକୁ ପଳେଇଗଲେ, ପଳେଇ ଯାଇକି ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ଏକକ ଭଳିଆ ସୃଷ୍ଟି କଲେ, ଠିକ ଅଛି। ସେତେବେଳେ ସେଠୁ କଣ ହବ, ଆଉ ସେମାନେ କୋଣ ସୂତ୍ର ରୂପରେ ରହିବାକୁ ଚାହିଁଲେନି, ସେଠୁ ସେମାନେ କଣ କରିବେ ନା, ଦୁଇ ଜଣ ଯାକ ଏବେ ଦୁଇ ମେରୁଆଡ ଯାଇ ଗତି କରିକି ଏବେ ସେମାନେ ଅଦୃଶ୍ୟ ହେବାକୁ ଆରମ୍ଭ କରିବେ। ଓକେ, କ୍ଲିୟର ଏବେ? ଓକେ, ଚାଲ, ଇଏ ହେଲା ଏତିକି ଗଲା। ତାପରେ ନେକ୍ସଟ ସେମାନଙ୍କର ଅଛି ବୋଧେ ଅର୍ଦ୍ଧ ବିଭାଜନର ଦ୍ୱିତୀୟ ଅବସ୍ଥା। ଦେଖ ଇଏ ହେଲା ପ୍ରଥମ ଅଧ୍ୟାୟ, ଆଉ ଆଚ୍ଛା ଏଇଟା ପଢା ହଉଥିଲା କହିବି ହେଇଗଲା, ତାପରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ପଢାଗଲା, ଦ୍ୱିତୀୟ ବିଭାଜନ, ଏଇଠୁ ଆମେ ନେକ୍ସଟ କ୍ଲାସରେ ପଢିବା। ଆଉ ମାଇଟୋସିସ ମେଓସିସ ର ପାର୍ଥକ୍ୟ ଦର୍ଶନ ସମସ୍ତେ କରିଦେଇଥିବ, ପଚାରିବି ନେକ୍ସଟ କ୍ଲାସରେ କହିବ। ଶୁଣ, ମୁଁ କହିଦଉଛି ଆଉ ଗୋଟେ କଥା, ୟା ପରେ ଯୋଉ ଆସିବ ପୁରା ହେଇଛି ଉଦ୍ଭିଦ ଜନନ, ପୁରା ହେଇଛି, ଆଉ କିଛି କଷ୍ଟ ନାହିଁ। ଏଇଟା ବି କଷ୍ଟ ନାହିଁ, ଏଇଟା ତମକୁ କଷ୍ଟ ଲାଗୁଛି କି ନାଇଁ? ନା, ନୋ ମ୍ୟାମ୍, କିନ୍ତୁ କଷ୍ଟ ନାହିଁ, ପଢିବାକୁ